आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। कश्मीर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार, हालात सामान्य करने के लिए सरकार को दिया वक्त। पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया झटका, कहा कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा, अमेरिका नहीं करेगा मध्यस्थता। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोले जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आवाज सुनी जानी चाहिए। आजादी के 7 दशक बाद मध्य प्रदेश के विकास की पोल खोलती तस्वीरें, छोटे छोटे पुल नहीं बना पाई सरकारें। और पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, राखी से पहले पुलिस वाला भाई और नक्सली बहन आमने सामने। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य में हालात को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दखल से इनकार कर दिया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को हालात सामान्य करने के लिए वक्त भी दिया है। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध और कर्फ्यू हटाए जाने तथा मोबाइल व इंटरनेट सेवा शुरू करने की मांग करने वाली तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। तहसीन पूनावाला की याचिका में जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू और प्रतिबंध हटाए जाने और मोबाइल व इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की गई। साथ ही याचिका में हिरासत में लिए गए नेताओं को तत्काल रिहा करने की भी मांग की गई थी। इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि रातों रात हालात सामान्य नहीं हो सकते, इसमें कुछ वक्त लगेगा। यह कहते हुए कोर्ट ने मामले की दखल से इनकार कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। संसद के दोनों सदनों से अनुच्छेद 370 खत्म करने का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद राज्य में सुरक्षा के लिहाज से कुछ कदम उठाए गए हैं। वैश्विक स्तर पर एक बार फिर पाकिस्तान को झटका लगा है। कश्मीर पर किसी भी तरह की मध्यस्थता करने में अमेरिका प्रशासन ने इनकार कर दिया है। अमेरिका ने कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताया है। कश्मीरी मुद्दे पर अमेरिका ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने कह दिया है कि कश्मीर भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है और अमेरिका इसमें कतई दखल नहीं देगा। अमेरिका ने मध्यस्थता करने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन सिंगला ने कहा कि अमेरिका अपनी पुरानी नीति पर चलना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें। राजदूत हर्षवर्धन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहते हैं कि वे मध्यस्थता करें तो वे मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन भारत का रुख साफ है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है जिस पर फैसला केवल दोनों देश कर सकते हैं। भारत का कश्मीर पर हमेशा से रुख स्पष्ट रहा है कि यह एक आतंकी मुद्दा है जिस पर किसी तीसरे देश का दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को किसी देश में तवज्जो नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन दौरे पर मदद मांगने गए थे, लेकिन वहां भी पाकिस्तान को निराशा ही हाथ लगी है। भारत को दुनिया के कई देशों से जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले पर समर्थन मिल चुका है। इस फैसले पर भारत का समर्थन रूस ने भी किया है। जम्मू कश्मीर पर देश एकजुट हो रहा है, ऐसे में धारा 370 को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान सामने आया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार के इस फैसले को कई लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। भारत के विचार को जिंदा रखना है तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आवाज सुननी चाहिए। मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से हटाए जाने के मामले को लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर भारत के विचार को जिंदा रखना है तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आवाज सुनी जानी चाहिए। सिंह ने कहा कि सरकार के इस फैसले को कई लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व पीएम ने कहा कि इन दिनों देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। The outcome of this is not to the liking
of many people in our country. And it is important that the voice of all these people must be heard. And it's only by raising our voice that we can ensure that in the long run, the idea of India is something which is very sacred to us, and that must prevail. मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर संकल्प पत्र पेश करते हुए देश की सियासत गर्मा गई। खुद कांग्रेस के भीतर से भी इस बिल के समर्थन में आवाज उठने लगी। एक तरफ जहां कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, वहीं पार्टी के राज्यसभा में चीफ व्हिप ने ही इसके विरोध में पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया था। वीजाबंदियों के मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कहा कांग्रेस को 370 से दिक्कत नहीं थी लेकिन मीसाबंदियों से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मीसाबंदियों का भी सम्मान करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह मीसाबंदियों का सम्मान न करने पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है जिन्होंने 19 महीने जेल में काटे, इस दौरान उनके अनेक लोगों की जान भी गई, ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर रहे। परंपरा थी कि 15 अगस्त को उनका सम्मान करके हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। कुछ ऐसे मीसाबंदी भी हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों का सम्मान करने में भी कांग्रेस को दिक्कत है, लेकिन धारा 370 बनी रहे इसमें कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। 15 अगस्त को हम सभी उनका सम्मान करके वास्तव में लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार इस तरह प्रतिशोध की राजनीति कर रही है कि इसने ऐसे मीसाबंदी भी जो उम्र के अब अधिक ऊंचे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं उनके सम्मान में भी उन्हें परेशानी है। आपातकाल लगे, लोकतंत्र की हत्या हो, उसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं है। धारा 370 कश्मीर में बनी रहे, लगी रहे, लोकतंत्र की वहाँ हत्या होती रहे, उसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं। मीसाबंदियों का सम्मान हो इसमें परेशानी है, धारा 370 समाप्त हो इसमें उनको परेशानी। राकेश सिंह ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी की सदस्यता अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं। सभी जगहों पर हम लक्ष्य के आसपास पहुंच चुके हैं। सदस्यता अभियान की तारीख बढ़ाने पर उन्होंने कहा बारिश और बाढ़ के कारण लोगों को कठिनाई आई है, इस कारण सबको ध्यान में रखते हुए पूरे देश में सदस्यता अभियान 20 तारीख तक बढ़ाया गया है। ये कहानी फिल्मी नहीं है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, एक तरफ पुलिस थी तो एक तरफ नक्सली। इस गोलीबारी के बीच एक पुलिस वाले को अपनी बहन नक्सली सामने दिखाई दे दी। भाई बहन के कुछ कह पाते कि उससे पहले कवर फायर शुरू हो गया, लेकिन बहन नक्सली के साथ जंगल में ओझल हो गई। यह वाक्या सुकमा के बाल कातोल का है। नक्सल प्रभावित सुकमा में एक मुठभेड़ की खूब चर्चा है। यह मुठभेड़ किसी फिल्मी कहानी से कम भी नहीं है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भाई और उसकी सगी नक्सली बहन में भी मुठभेड़ हुई। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली जंगल में भाग गए। ये कहानी है नक्सली कमांडर बेट्टी रामा की, जो पहले नक्सली संगठन से जुड़े थे लेकिन अब पुलिस के साथ मिलकर नक्सलियों की कब्र खोदने में लगे हैं। वहीं बेट्टी रामा की बड़ी बहन बेट्टी कन्नी अभी भी नक्सली संगठन के साथ ही जुड़ी हुई है। ऐसे में बीते दिनों 29 जुलाई को बालका तुंग में एक मुठभेड़ के दौरान दोनों भाई बहन का आमने सामने का मुकाबला हो गया। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग भी हुई लेकिन नक्सली बाद में फरार हो गए। बेटी रामा ने मुख्य धारा से जुड़ने के बाद कई बार बहन को भी समझाने की बहुत कोशिश की और बार बार पत्र लिखकर मनाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी बहन ने साफ कह दिया कि वह नक्सली संगठन के लिए ही काम करेगी और बार बार मुझे इस तरह के पत्र ना लिखे। बीते 29 जुलाई को सुरक्षा बल के साथ बेटी रामा एक ऑपरेशन के लिए बालकातोंग नक्सल इलाके में गया तो अचानक उसकी बहन बेटी कन्नी दिखाई दी। करीब 200 मीटर दूर से रामा ने उसे पहचान लिया। कुछ बोल पाते कि इस बीच दोनों ओर से फायरिंग होनी शुरू हो गई और देखते ही देखते बहन आंखों के सामने गायब हो गई। ऑपरेशन के बाद बेटी रामा लगातार पता लगा रहे हैं कि बहन किस स्थिति में है। बेटी रामा पहले नक्सली संगठन से जुड़ा था लेकिन 13 अक्टूबर 2018 को हथियार के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राम ने करीब 23 साल तक नक्सली संगठन के साथ काम किया, उस पर पुलिस ने 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। वहीं उसकी बड़ी बहन भी कई सालों से नक्सली संगठन के लिए काम कर रही थी। दोनों भाई बहन गगनपल्ली के रहने वाले हैं।
अब जो तस्वीरें आप देखने वाले हैं वो विकास की बातें और वादे करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। ये तस्वीर वो कड़वी सच्चाई है जो बताती है आम आदमी के टैक्स के पैसों से मजे करने वाले नेताओं और अधिकारियों को लोगों की मुसीबतों से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी भले ही अपनी जान जोखिम में डालता रहे, इन्हें क्या, इनके तो ऐश ही चल रहे हैं। ये दृश्य भोपाल के बल्लभ भवन में बैठे मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों को समझ नहीं आएगा। उनको लगेगा ये एडवेंचर टूरिज्म है, लेकिन जनाब ये जिंदगी की जद्दोजहद की जीती जागती तस्वीर है। बड़वानी जिले में पानसेमल से 30 किलोमीटर दूर कामठिया नाला उफनने से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में विकास के दावे सरकार कितने भी कर ले, लेकिन धरातल पर भयावह हालात हैं। आजादी के 7 दशकों के बाद भी अगर ये हाल है तो हमें अपने नेताओं के बारे में विचार करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को चुनते क्यों हैं जो अपने इलाके में छोटे छोटे काम तक नहीं करवा पाते। बड़वानी जिले के पानसेमल अनुभाग में तार और रस्सी के सहारे नाला पार करते ग्रामीणों की बेबसी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। 4 गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं सिर्फ इसलिए कि 70 वर्षों से सरकारें यहां तक एक छोटी सी पुलिया भी नहीं बनवा पाए। पुलिया नहीं होने के कारण उफनते नाले को तार और रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर लोग इस पार से उस पार हो रहे हैं। हर बारिश में गांवों और पानसेमल के बीच यह नाला सबको कैद कर देता है। इस कैद से बाहर आना है तो जान की बाजी लगानी पड़ती है। ग्रामीण 8 महीने जैसे तैसे यहां काम चला लेते हैं, लेकिन बारिश के 4 महीने इन पर भारी पड़ते हैं और इन्हें इसी तरह तारों के सहारे हवा में लटक कर नाला पार करना पड़ता है। नाले को पार करने के लिए ग्रामीणों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक तार और रस्सी बांधी है। इसी के सहारे ग्रामीण 100 फीट से अधिक लंबा उफनता नाला जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं, लेकिन बेशर्म सरकारों को इससे क्या। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हो या फिर अब कमलनाथ हो, ये गांव और किसान की बात जरूर करते हैं, लेकिन वहां विकास में इनकी कोई रुचि नजर नहीं आती। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता रामपाल सिंह ने मंत्री जीतू पटवारी के शिवराज सिंह चौहान को चापलूस कहने पर कहा कि वे मंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखें। सब जानते हैं भाई जीतू पटवारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चरणामृत लेते हैं।
जीतू पटवारी के शिवराज को चापलूस कहने पर बीजेपी नेता पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने इसका जवाब दिया और कहा, हमारे भाई जीतू पटवारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चरणामृत लेते हैं, वे अपने मंत्री पद की गरिमा रखे, किसी के विषय में कुछ भी कह देना ये सही बात नहीं है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि रुकी हुई है, बिजली जा रही है, बिजली बिल बढ़कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। हमारे भाई जीतू पटवारी, श्रीमती सोनिया गांधी गांधी परिवार के चरणामृत लेते हैं और कमलनाथ जी का चरणामृत पान करें, इसी में उनको लाभ होगा और इस तरह की बात न करें, मेरा उनको सुझाव है। और इस तरह अपने मंत्री पद का गरिमा भी रखें, किससे क्या बात करना है, अगर उनमें हिम्मत है तो आए, तर्क के साथ बात करें, वो विषय को रखें, कुछ भी कह देना किसी के विषय में ये उचित बात नहीं है। रामपाल सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश की जनता से कांग्रेस ने धोखा किया है, कांग्रेस ने दिल्ली और प्रदेश में घोटाले ही किए हैं और किया क्या है, घोटाले भी इतने कि किताब लिखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कुछ परिणाम लोकसभा चुनाव में मिल गया है और कुछ आने वाले समय में मिल जाएगा। एक विवाह समारोह में बने खराब दाल चावल लोगों की सेहत पर भारी पड़ गए। इन दाल चावल की वजह से 22 बच्चों की सेहत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ये मामला खरगोन का है। खरगोन के ग्राम सिरवेल में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 22 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को उल्टी की शिकायत के बाद एम्बुलेंस से खरगोन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सिरवेल गांव में शादी समारोह था, जिसमें दाल चावल खाने के बाद बच्चों को उल्टियां होना शुरू हो गई, जिसमें करीब 22 से बच्चे की हालत देखते देखते खराब होने लगी। उन्हें तत्काल निजी एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उपचार के बाद में बच्चों की स्थिति सामान्य बताई। भगवानपुरा विधायक केदार डावर बच्चों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बताया कि बच्चे द्वारा दाल चावल खाने के बाद से उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी। जबलपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब घर में घुसकर बदमाशों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। माना जा रहा है कि घर में लूटपाट की नियत से घुसे बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बाड़ोताल की कृष्णा कॉलोनी में एक आश्रम नुमा मकान बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से बुजुर्ग के ऊपर कई वार किए गए। कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग विष्णु दयाल सोनी अपनी पत्नी के साथ राधा कृष्ण आश्रम नाम के घर में रहते थे। उनके बेटे बहू अलग रहते थे। जब विष्णु दयाल का बेटा अपने पिता से मिलने शाम को घर गया तो उसके पिता विष्णु दयाल अंदर के कमरे में जमीन पर पड़े दिखाई दिए और घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। आनन फानन में बेटे ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में हुई वारदात की बारीकी से जांच करते हुए हत्या करने वाले अज्ञात आरोपी की तलाश जारी कर दी है। विष्णु दयाल सोनी हैं, 63 वर्ष इनकी उम्र है। ये यहाँ पे कृष्णा कॉलोनी में इनका राधा कृष्ण करके एक आश्रम टाइप का घर था, वो घर में रहते थे वहाँ पे पति पत्नी दोनों। तो कल शाम को 6 बजे घर से आए थे यहाँ पे। एक घर इनका गायत्री मंदिर पास मनमोहन नगर में है। इनका दलाली का और प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इनके बच्चों की दुकान है सारा। इसके बाद जब ये आज नहीं पहुंचे तो इनका बच्चा शाम को 6:30-7 पे आया देखने, तो उन्होंने इन बच्चों ने इनको देखा कि मृत हालत में पड़े हुए। पुलिस को सूचना दी, पुलिस गई, प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध होना प्रतीत हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है। माड़ोताल कृष्णा कॉलोनी में घर के अंदर हुई बुजुर्ग की हत्या के बारे में सीएसपी दीपक मिश्रा ने बताया कि विष्णु दयाल सोनी अपने बेटों से अलग मकान में रहते थे। उनकी पत्नी बेटों के घर गई हुई थी, वहीं जब शाम को बेटा अपने पिता से मिलने गया तो घर के अंदर मृत अवस्था में मिले। वहीं मृतक के बदन में चोट के निशान बताते हैं कि बुजुर्ग ने हत्या करने वाले के साथ संघर्ष भी किया। अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद गुस्साए रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स और नर्स के साथ जमकर मारपीट की। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने पैसे के लिए इलाज शुरू नहीं किया और मरीज की मौत हो गई। उधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज की अस्पताल आने से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। मृत बताए जाने पर परिजनों ने स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। भोपाल के ISBT स्थित पालीवाल अस्पताल में 60 साल की महिला नर्मदी बाई की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। करीब 30 लोगों ने अस्पताल में घुसकर नर्स व अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मंदिर के पास रखे गमले तोड़ दिए गए।
करीब आधे घंटे तक परिजनों का हंगामा चलता रहा। मारपीट की घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज शुरू करने के लिए उनसे 50,000 रुपए मांगे गए, जिससे इलाज में देरी के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों के आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है। प्रबंधन का कहना है कि मरीज की अस्पताल लाने से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों ने अस्पताल में स्टाफ के साथ मारपीट की और मंदिर में रखे गमले तोड़ दिए। रिसेप्शनिस्ट और गार्ड को चांटे मारे गए। बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर डॉक्टर्स ने मारपीट के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि मारपीट करने वालों पर डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लाइब्रेरी में अध्ययन पर अलग अलग जगह नौकरी प्राप्त करने वाले 52 लोगों को सिद्ध भाव ने सम्मानित किया और इन लोगों से कहा कि अपनी आय का एक हिस्सा सेवा के कार्यों के लिए समाज में दे। नवयुवक परिषद की इकाई नीतू मेहतानी मेमोरियल लाइब्रेरी ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। संत जी के शिक्षक सिद्ध भाव ने लाइब्रेरी के 52 उन सदस्यों को सम्मानित किया जिन्होंने पिछले वर्ष लाइब्रेरी की सुविधाओं से जुड़कर बैंकों, सरकारी विभागों एवं मल्टीनेशनल कंपनियों में सेवा शुरू की। सिद्ध भाव के आह्वान पर सम्मानित व्यक्तियों ने संकल्प लिया कि वे हर माह अपनी कमाई में से कुछ राशि सेवा कार्यों के लिए नवयुवक परिषद को देंगे। लाइब्रेरी के संचालक के एल मोटवानी ने बताया कि लाइब्रेरी में समस्त प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें बड़ी संख्या में सदैव उपलब्ध रहते हैं, जो कि सदस्यों को रोजगार प्राप्त करने और आगे अध्ययन में सहायक होते हैं। लाइब्रेरी में जो सदस्य हैं, जो विभिन्न बैंकों में या अन्य जगह से चयनित हुए हैं, उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें परम श्रद्धेय सिद्ध भाव जी के मार्गदर्शन में चरणी तुम्हें लाइब्रेरी में जो चयनित बच्चों के स्वागत के साथ 55 बच्चों का स्वागत किया गया है। श्रीदेव सिद्ध बाबू जी ने उनको मोटिवेट किया, उनको आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में नवयुवक परिषद के उपाध्यक्ष एसी साधवानी ने बताया कि किस प्रकार अत्यधिक प्रैक्टिस करके बैंकों में सरलता से नौकरी पाई जा सकती है। सिद्ध भाव ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए, इससे बरकत होती है और व्यक्ति उत्तर तरक्की करता है। बारिश के चलते जंगल से भटका एक बारासिंगा पानी में फंसकर सागर के जैसी नगर किले में पहुंच गया। रेस्क्यू टीम ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो जंगल से भटका ये बारासिंगा घंटों पानी में तैरता रहा और बाद में वापस जंगल में चला गया। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारासिंगा कुछ समय तालाब में तैरता रहा और वापस जाने का रास्ता ना मिलता देख तालाब से लगे हुए किले के अंदर चला गया। प्रत्यक्षदर्शी बाबू सिंह राजपूत ने बारासिंगा को तालाब में देखा, जिसके बाद उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। बारासिंगा को पकड़ने के लिए किले में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बारासिंगा किले से वापस तालाब में कूद गया और तालाब पार कर रेस्क्यू टीम को छकाते हुए जंगल की ओर जा भागा। सागर से आए दक्षिण वन मंडल के रेस्क्यू इंचार्ज राकेश तिवारी ने बताया कि हमने किले के अंदर जाकर देखा तो बारासिंगा किले और तालाब के बीच एक टापू पर बैठा था। हमारी टीम ने सूझबूझ से बारासिंगा को बचाने के लिए रेस्क्यू किया, जिसके बाद बारासिंगा तालाब पार करके वापस जंगल की ओर भाग गया। जी, मोतीपुरा के पीपल के यहाँ से आया और जाके किले के अंदर घुस गया। गुर्ज में से तैरत भाव तालाब में से तैरत भाव, उसके बाद किले के अंदर घुस गया था। फिर वापस रेस्क्यू टीम ने आके फिर उसको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको बैरन समाचार। नमस्कार, बैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कुछ दिन पहले कल्याण भाई मेरे से बोल रहे थे कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कश्मीर में, कुछ ऐसा भरने वाला है बम बम। यो वहाँ पूरी मिलिट्री पहुँच रही है, वहाँ के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी वहाँ भेजा जा रहा है। मेरे को लग तो रहा था कुछ होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा होने वाला ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और कल भैया राज्यसभा में बिल पेश हो गया, धारा 370 हटा दी अमित शाह ने। बताओ, ये ऐसा बड़ा धमाका जो 70 साल से जो गलती चली आ रही थी उसको एक दिन में खटाक से इन्होंने निपटा दिया। और मैं बता रहा हूँ, इसमें कांग्रेस के नेता ऐसे बिल बिलाए फिर रहे हैं, इनमें कोई संपर्क नहीं बैठ रही। क्या बोले, क्या सपोर्ट करें इसका, क्या करें? कुछ कांग्रेस के नेता सही बात बोल रहे हैं, बोले देश में ये अच्छा हुआ, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में एक ही कानून चलेगा और वहाँ की बेचारी लड़कियाँ अगर दूसरी जगह शादी कर लेती तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं रहती थी। अब ये कोई लोकतांत्रिक चीज़ें हैं क्या? और वहाँ के कश्मीर के नेता बोल रहे हैं कि अलोकतांत्रिक फैसला है, ये है वो है, कोर्ट में जाएंगे। और मैं बता रही, ये सब भाई लोकतंत्र की चीज़ें थी क्या? ये किसी को विशेष अधिकार, किसी को कोई अधिकार ही नहीं है। और मैं बता रही हूँ, अब क्या हो गया वहाँ,
अब दिल्ली जैसा माहौल हो जाएगा बा, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एल जी इनमें खूँ 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 चलती रहती है, वो एल जी पावरफुल रहेगा, हाँ उसकी चलेगी ज़्यादा, वो ताकतवर रहेगा। और पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी देश है, बेवजह चिल्लाए जा रहा है, मुनमुनाए जा रहा है, बिल बिलाए जा रहे हैं, अरे तुम्हें क्या लेना देना, ये हमारे देश का मामला है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हाँ हम चंद्रयान पर पहुँच गए, मैं कह रहा हूँ भैया तुम्हारे आगे पढ़ रहे हैं, पेट के जनता का इंतजाम करो, भूखों मर रहे हैं लोग उनका इंतजाम करो, उसके बारे में सोचो, हमारी चिंता मत करो, बेवजह फटे में टांग मत अड़ाओ, हाँ बता रही हूँ। और आजकल एक मोदी जी का फोटो चल लिया है, वो उन्होंने लाल किले पे तिरंगा फहराया था बहुत दिनों पहले, हाँ वो फोटो बहुत दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, छाया हुआ है बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ ये आदमी देखो पहले दृढ़ संकल्प किया था इन्होंने धारा 370 हटाने का उस वक्त, और वो उन्होंने करके दिखा दिया बता रहा हूँ, ये काम कहलाते हैं बता रही हूँ। और पूरे देश में बता रहे हूँ बाढ़ के हालात बने हुए, कई जगह बाढ़ आ रही है, बाढ़ में भी तिरंगा लेकर लोग खुशी मना रहे हैं, वे ऐतिहासिक काम हुआ है देश में बहुत सालों बाद बता रहे हूँ। कांग्रेस के नेता तो ये थे फड़फड़ा रहे बता रहे हूँ, वो फारूक अब्दुल्ला भाई बोल रहे ये लोकतांत्रिक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और मैं बता रही हूँ कई नेताओं को तो अभी जेल में ठूसे जा रहा है, ये उनके जो अपराध हैं, इनके जो मोनोपोली चल रही थी कश्मीर में, इनकी दुकानें चल रही थी, सबकी बंद होने वाली है, हाँ मैं भी जाऊं भैया, मेरे भी दुकान खोलने का टाइम हो गया। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. Sangeet ki swar lehriyon se Sanskritik taane baane tak Chambal ke peedon se Naxalwadiyon ke garh tak Jhopdi se mehlon tak खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.